हे दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। बड़ी खबर यह है कि सुपरस्टार यश के अगले फिल्म के अनाउंसमेंट 8 दिसंबर को की जाएगी। KGF चैप्टर 2 के बाद से ही लोग यश के अगले फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 1.5 साल से ज्यादा हो गया है और अभी तक यश 19 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। पर अब इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, क्योंकि यश 19 के ऑफिशियल अनाउंसमेंट बस 3 दिन के बाद होने वाली है। तो अब इस बात पर एक लाइक तो मिलना ही चाहिए। देखते हैं कौन कौन है जो यश 19 का इंतजार कर रहा है। पिछले दिनों खबर आई थी कि यश की अगली फिल्म मलयालम डायरेक्टर गीतू मोहनदास के साथ होगी, जिन्होंने 2019 के एक्शन थ्रिलर फिल्म मुथुन को डायरेक्ट किया था। तो कहा जा रहा है कि यश 19 को गीतू मोहनदास ही डायरेक्ट करेंगे। यश ने खुद इस पोस्ट को शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि यश 19 का टाइटल अनाउंसमेंट 8 दिसंबर को सुबह 9:55 पर किया जाएगा। तो देखते हैं यश की अगली फिल्म का टाइटल क्या होता है। कौन कौन एक्साइटेड है यश 19 के अपडेट के लिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि डंकी का ऑफिशियल ट्रेलर कल 5 दिसंबर को रिलीज होगा। टाइम अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन खबर पक्की है कि डंकी का ट्रेलर कल 5 दिसंबर को आने वाला है। डंकी के टीजर के साथ इसके दोनों सॉन्ग को भी काफी पसंद किया गया है। तो अब देखना होगा कि डंकी का ऑफिशियल ट्रेलर कैसा होता है। डंकी एक सोशल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे जाने माने डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया है। शाहरुख खान फिल्म के लीड रोल में है, वहीं तापसे पन्नू, बोमन ईरानी, विक्की कौशल, धर्मेंद्र और सतीश कौशिक अहम भूमिका में नजर आएंगे। तो डंकी का ट्रेलर कल 5 दिसंबर को रिलीज होगा और ये फिल्म 21 दिसंबर को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। क्या डंकी का ट्रेलर सालार के हिंदी ट्रेलर को बीट कर पाएगा? सालार के हिंदी ट्रेलर को 24 घंटे में 54 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले थे। तो अब देखते हैं डंकी के ट्रेलर को 24 घंटे में कितने व्यूज मिलते हैं। लाइको, मेरी कसम क्यों खाते हो हमेशा? मैं बुग्गू लखनपाल कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं लंदन जाने की सोचू भी तो मेरी दादी मर जाए। सालार की बात करें तो अब सालार के मेकर्स इसका सेकेंड ट्रेलर भी लाने वाले हैं। खबरों की माने तो सालार का सेकेंड ट्रेलर 16 दिसंबर को रिलीज होगा। सालार के पहले ट्रेलर को काफी मिक्स रिव्यू मिले हैं, लेकिन व्यूज के मामले में इस ट्रेलर ने पिछले सभी ट्रेलर को पीछे छोड़ दिया है। तो अब सालार का सेकेंड ट्रेलर 16 दिसंबर को रिलीज होगा और ये फिल्म 22 दिसंबर को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। क्या कहना चाहेंगे आप सालार के ट्रेलर के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऋतिक रोशन की आने वाली फिल्म फाइटर का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया है। यहाँ इस पोस्टर में आप ऋतिक रोशन को देख सकते हैं। फाइटर का टीजर 7 दिसंबर को रिलीज होगा और ये फिल्म 25 दिसंबर को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। मॉन्स्टर वर्स की आने वाली फिल्म गोडजिला एक्स कॉन्ग का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया है। यहाँ इस ट्रेलर में हम एक और कॉन्ग को देखते हैं, जो काफी खतरनाक लग रहा है। कौन है ये कॉन्ग, कैसे वो होलो अर्थ से बाहर आता है और कैसे कॉन्ग और गोडजिला इस दूसरे कॉन्ग का सामना करते हैं, ये हमें आगे इस फिल्म में देखने को मिलेगा। साथ ही छोटे कॉन्ग की क्या कहानी है, वो भी हमें आगे इस फिल्म में पता चलेगी, क्योंकि ट्रेलर में इस छोटे कॉन्ग को 2 बार दिखाया गया है। जो भी है, लेकिन गोडजिला एक्स कॉन्ग का ट्रेलर काफी जबरदस्त है और ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा देगी। गोडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर 12 अप्रैल 2024 को रिलीज होगी। जी हाँ, 12 अप्रैल यानी कि ईद के मौके पर गोडजिला एक्स कॉन्ग के साथ और भी कई बड़ी फिल्में आने वाली हैं। सूर्या की कंगवा, कमल हसन की इंडियन 2 और अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां। देखते हैं ईद 2024 में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर क्या होता है। क्या वो एक छोटू कॉन्ग है? अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म हाउस ऑफ 5 की रिलीज डेट चेंज हो गई है। फिल्म के मेकर्स ने कहा है कि ये एक बड़ी कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी, जिसमें एक माइंड ब्लोइंग कहानी और टॉप लेवल का VFX देखने को मिलेगा। भाई, 400 करोड़ की कॉमेडी फिल्म है तो कुछ ना कुछ अलग तो जरूर होगा। तो इसी वजह से फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाई जा रही है और नवम्बर 2024 में रिलीज होने वाली ये फिल्म अब 25 जून 2025 को रिलीज होगी। जी हाँ, हाउसफुल 5 के लिए अभी हमें 1.5 साल इंतजार करना होगा। हाउसफुल 5 को तरुण मनसुखानी डायरेक्ट करेंगे और साजिद नाडेरवाला प्रोड्यूस करेंगे। कलाकारों से जुड़ी अभी ज्यादा अपडेट नहीं आई है, लेकिन अक्षय कुमार और रितेश देशमुख का नाम सामने आया है और कहा जा रहा है कि 2024 में बाकी कलाकारों की अनाउंसमेंट की जाएगी। अगर आप हाउसफुल 5 की खबर से निराश हो गए हैं तो ये खबर सुनकर आपको काफी खुशी होगी कि अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का टीजर आने वाला है। जी हाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ का टीजर 2024 में रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज होगा। वैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ का टीजर जनवरी 2024 के एंड तक आ सकता है। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का टीजर 26 जनवरी 2024 को रिलीज होगा। ये एक बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म होगी, जिसे अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट किया है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ फिल्म के लीड रोल में हैं, वहीं पृथ्वीराज सुकुमारन, मानुषी चिल्लर और सोनाक्षी सिन्हा अहम भूमिका में नजर आएंगे। तो अक्षय कुमार की फिल्म का टीजर रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज होगा और ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज होगी। और मोहनलाल की आने वाली फिल्म मलाइकुट्टी वालिबान का टीजर 6 दिसंबर को रिलीज होगा।
मलिकुट्टी वालिबान एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे लिजो जोस पेलिसेरी ने डायरेक्ट किया है। लिजो जोस पेलिसेरी ने ही 2019 की सुपरहिट फिल्म जलीकट्टू को डायरेक्ट किया था। तो मलिकुट्टी वालिबान का टीजर 6 दिसंबर को शाम 5 बजे रिलीज होगा और ये फिल्म 25 जनवरी 2024 को रिलीज होगी। विल स्मिथ ने कन्फर्म किया है कि वो आई एम लेजेंड के सिक्वल में माइकल बी जॉर्डन के साथ नजर आएंगे। 2007 में रिलीज हुई जॉम्बी एक्शन थ्रिलर फिल्म आई एम लेजेंड को तो आप सबने देखा ही होगा। आई एम लेजेंड के सिक्वल की अनाउंसमेंट काफी पहले हो गई थी लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से फिल्म रुकी हुई थी। 2022 में इसके सिक्वल को कन्फर्म किया गया था लेकिन अभी तक शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। पर अब जब विली स्मिथ ने खुद कन्फर्म किया है तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आई एम लेजेंड 2 की शूटिंग स्टार्ट हो। तो देखते हैं आई एम लेजेंड 2 की शूटिंग कब तक स्टार्ट होती है। तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म जिगरथांडा डबल एक्स की OTT रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है। जिगरथांडा डबल एक्स दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी जिसे IMDb पर 8.4 की रेटिंग मिली है। फिल्म को काफ़ी अच्छे रिव्यू मिले हैं और इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया गया था। तो अब ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आने वाली है जिसे आप 8 दिसंबर से तमिल के साथ तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी में भी देख सकते हैं। और कार्तिक एक्शन ड्रामा फिल्म जापान की OTT रिलीज डेट भी कन्फर्म हो गई है। जापान भी दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। अभी इस फिल्म को IMDb पर 3.3 की रेटिंग मिली है। तो अब ये फिल्म भी OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली है जहां आप इस फिल्म को 11 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर तमिल के साथ तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम भाषा में देख सकते हैं। अभी हिंदी डब का कन्फर्म नहीं है लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपको सोशल मीडिया पर बता देंगे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर ने फर्स्ट वीकेंड में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। ग्रोस कलेक्शन 30 करोड़ है और ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने लगभग 5 करोड़ की कमाई की है। तो करीब 55 करोड़ के बजट बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। आज के बाद कोई भी ऑफिसर या जवान मेरे रिटन ऑर्डर के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा और मैं वो ऑर्डर कभी नहीं दूंगा। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ने इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर भी काफी तगड़ी कमाई की है। सिर्फ 3 दिनों में ही फिल्म ने आदि पुरुष, रॉकी रानी, वरिशु और दी केरला स्टोरी को पीछे छोड़ दिया है। एनिमल ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 176 करोड़ का कलेक्शन किया है और साउथ लैंग्वेज में 25 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 201 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। ग्रोस कलेक्शन 240 करोड़ है और ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 110 करोड़ की कमाई की है। तो 100 करोड़ के बजट में बनी रणबीर कपूर की फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 356 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। सिर्फ 3 दिनों में 356 करोड़ हो गए हैं। तो मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से एनिमल का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा। क्या ये फिल्म 1000 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।